सावल में हम लोग किस तरह से वजन कम हो इसके बारे में बहुत लोगों को बता रहे हैं, पर हमारे व्यूअर्स हमें हर वक्त अप्रोच कर रहे हैं आजकल कि सर वजन कम होने वाली बात तो बताइए, वजन बढ़े कैसे वो बता दीजिए। तो वजन बढ़ने वाली बात मैं आपको बता दूं, वजन बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए वजन कब बढ़ेगा, जब आप कैलोरीज ज्यादा खाओगे और खर्चा उतना नहीं होगा। खर्चे की बात मैंने हर वक्त बताई है कि हमारा पूरा बॉडी सारा दिन में जितनी भी मेहनत करता है, चाहे लेटा रहे, चाहे बैठा रहे, चाहे खड़ा रहे, चाहे चले, चाहे दौड़े, उसमें करीब करीब एक नॉर्मल लाइफ वाले आदमी को 1600 कैलोरीज की जरूरत है। अब वो 1600 कैलोरी अगर आपकी सप्लाई बाहर से नहीं हो रहा है तो आपका वजन और गिरता रहेगा। तो 1600 कैलोरी में क्या खाना चाहिए वो समझाऊं, और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो 1600 नहीं चाहिए, हमें 2600 कैलोरी चाहिए। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खाना पड़ेगा। तो आदमी बोलता है सर ज्यादा तो मैं बोला 5 किलो खा लो एक साथ, बोला नहीं स्टोमक में जगह नहीं है। स्टोमक में हमारा आपको मालूम है जब हम खाना डालते हैं तो स्टोमक में जाके एक बार स्टोर होता है, तो स्टोमक की कैपेसिटी एक बार में मान लेते 500 ग्राम है, 700 ग्राम है, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। तो ऐसा नहीं कि 40 रोटी खा लिए नहीं खा सकोगे आप, तो खाने के लिए आपकी स्टोमक की कैपेसिटी इतनी सी है। अब इतना सा चीज खाना है आपको, अब इसमें अगर आप कम कैलोरी वाले खाना खाते हैं, आपको मालूम है कम कैलोरी में कौन है, सलाद है, सब्जी है, फ्रूट्स है, जूस है, ये सारा बंद कर दीजिए। अगर वजन कम करना है तो 5 चीज बंद करना है, सलाद, सब्जी, फ्रूट्स, जूस और सूप, ये 5 चीज आपको खाना ही नहीं है। आदमी बोलता सर वो तो हेल्दी होता, मैं बोला यार जब तक वजन बढ़ाना है तब तक नहीं खाओ, बोला इसको हटाने से क्या फायदा, मैं बोला स्टोमक का अब जगह जितना रह गया वो फालतू वाले कम कैलोरी वाले फूड से नहीं भर रहा, अब आपको भरना है हाई कैलोरी फूड से। अब हाई कैलोरी फूड से बनना, अगर आप यंग आदमी है जिनको कोई हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना हो सकता है जो कि हेल्दी नहीं है पर हाई कैलोरी फूड है। हेल्दी नहीं है पर हार्ट के पेशेंट हो तो फिर नहीं हेल्दी वाला तो खाना खा ही नहीं सकते। जो फ्राइड फूड होता है आपको मालूम है तेल जो है इसमें बहुत हाई कैलोरी होता है, 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी होता है। तो 100 ग्राम तेल अगर आप खा गए 900 कैलोरी एक्स्ट्रा, तो अगर 100 ग्राम तेल या बटर आप खा सकते हैं तो आपका वजन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या खा सकते हैं, सारे फ्राइड आइटम्स, खूब बटर लगाइए, एक 100 ग्राम का ब्रेड लीजिए, बटर लीजिए और उसको ऐसा करिए कि पूरा दिन में अंदर खा जाए, तो 900 कैलोरी आपके ऊपर एक्स्ट्रा चली जाएगी। आप ब्रेड खाइए, जितने अनाज खाइए, अनाज को हम लोग बोलते हैं हाई कैलोरी, और वेरी हाई कैलोरी हो गया फ्राइड आइटम्स। तो आप अगर फ्राइड आइटम खाते हैं, अनहेल्दी फूड है पर आपका वजन बढ़ेगा। अनहेल्दी में क्या क्या खा सकते हैं, जितने तरह के मिठाइयां हैं फ्राइड वाले, नमकीन है, और ब्रेड में खूब मक्खन लगा के खाइए, इस तरह का खाना जो है, जो अनाज वाले खाने हैं विथ फ्राई, ये बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ा सकता है। आदमी बोलता नहीं सर मुझे हेल्दी भी रहना फिर भी वजन बढ़ाना, तो इन सच केस हम लोग आते हैं सेकेंड कैटेगरी में। खाने में 2 तरह की हाई कैलोरी फूड है, एक तो वेरी हाई कैलोरी वो फ्राइड वाले हैं, उससे वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, बट कम हाई वाले भी हैं उनसे भी वजन बढ़ता है। वो कौन से हैं, सीरियल्स, ग्रेन्स। आदमी बोलते ग्रेन का क्या मतलब है, अरे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और भुट्टा, ये 5 चीज से बना हुआ कुछ भी चीज जी भर के खाइए, वजन बढ़ेगा। आदमी बोलता सर एक एग्जांपल देके बताइए, मैं बोला गेहूं से क्या बनता है आपके घर पे, बोलता है रोटी बनता है, मैं बोला 6 रोटी सुबह, 6 दोपहर, 6 रात को, बोला सर पेट में इतनी स्टोमक में जगह, मैं बोला देखो 3 रोटी खाते थे उसमें सब्जी खाते थे, सलाद खाते थे, सब्जी सलाद निकाल दिया, आप रोटी डबल कर लो। तो ज्यादातर आप रोटी ज्यादा खा सकते हैं, सलाद एकदम कट कर दीजिए, फ्रूट्स कट कर दीजिए, रोटी खाइए, ब्रेड खाइए, दलिया खाइए, सूजी खाइए, बहुत सारा चावल खाइए, जितना मर्जी चावल खाइए, गाढ़ी दाल बनाइए, बेसन खाइए, चना खाइए, दालें, जितने तरह का गाढ़े दाल खाना है, तो ये सब अगर आप खाना खा सकते हैं। एक आदमी बोलता सर एक बार बता दीजिए सुबह से शाम तक क्या खाऊं, मैं बोला यार सुबह अगर आप ब्रेड खाते हो तो 6-7-8 ब्रेड खाओ, उसमें अच्छे से आप अगर मक्खन लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो जैम लगा लो और उसको खाओ, और साथ में आप हो सके तो एक आध मिठाई भी खा सकते हो, और उसके साथ अगर बीच में कभी खाना हो तो आप कोई दलिया टाइप का खा लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए, और दोपहर को आप बहुत सारा राइस खाइए, फिर उसके संग और 2-4-5 चपाती खा लीजिए, रात को भी राइस और चपाती खाइए, दाल 1 कटोरी जरूर पीजिए, भुना हुआ चना खाइए, स्प्राउट्स भी वजन बढ़ाता है। तो ये जितने चीजें हैं सब देखिए अनाज वाले आइटम में, तो अनाज वाले आइटम आप जी भर के खाइए
और आदमी बोलता नहीं मैं पहले सलाद खा लूं फिर ये सब खाऊंगा। मैं बोला यार सलाद का और सूप का और फ्रूट्स का जो जगह है उसको बचाना चाहता हूँ, उसके जगह आप इनको डबल ट्रिपल खाओ तब जाके वजन बढ़ेगा। तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो वॉकिंग जॉगिंग है उसको थोड़ा दिन रोक दीजिए और ये प्लेन वॉक कर लीजिए आधा घंटा चाहे तो, बट आप खाने में चपाती बढ़ाइए, राइस बढ़ाइए, सूजी बढ़ाइए, उपमा बढ़ाइए, अनाज के कोई भी आइटम बना हुआ जी भर के खाइए, ब्रेड जी भर के खाइए, पर आपका वजन बढ़ेगा। तो ये करिए। और अगर आप यंग आदमी है और हार्ट की बीमारी नहीं है फिर तो आपके पास हजारों और चॉइस हैं। जो हम लोग बोलते हैं साउल में समझाते हैं खाना 4 तरह का है, 20 रुपए का खाना सारा सलाद सब्जी है, 50 रुपए का खाना फ्रूट्स है, इन दोनों को हटा दीजिए, 100 रुपए का खाना और 500 का खाना खाना है। 100 रुपए वाला हो गया अनाज और 500 का हो गया फ्राइड। तो आप 100 और 500 खाइए अगर हेल्दी रहना चाहते हैं और हेल्दी रहते हुए वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल अनाज वाले आइटम खाइए, वो फिर फ्राइड वाला भी निकाल दीजिए। तो आप वजन बढ़ाइए और अगर बढ़ता है तो हमको जरूर इन्फॉर्म करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वक्त आपके लिए हेल्थ के बारे में बहुत सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन लाएंगे। और ये खा के मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने 15 किलो वजन बढ़ाया, बोले डॉक्टर साहब इतनी सिंपल हो गई, मैं पहले सलाद खा खा के वजन गिराया जा रहा था, मुझे मालूम मैं तो बोलता हेल्दी खाऊंगा फ्रूट खा रहा था, अरे इससे वजन, फ्रूट 4 फ्रूट है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है, वो है आम, केला, चीकू, अंगूर, ये आप खा सकते हैं, इनसे वजन बढ़ता है, तो इनको आप खा सकते हैं फ्रूट्स को, और बाकी फ्रूट्स निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच।